वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई अभी सो के उठा है और टाइम लगे हो रहा है 5 बज रहे हैं माशाल्लाह से। और उठते साथ अम्मा जी ने न्यूज़ सुनाई कि यार बेटा साहिबा उठ जाओ, मैंने आपके साथ फोटो जाना। तो फोटो जाने की डील डन तो कर ली है, पर इसलिए डील डन हुई है KFC खिलाओगे तो बाबा जी हम फोटोज भी चले जाएंगे। क्या बात है इसमें। तो अभी सीन ये है कि रेडी शेडी होते हैं, टोपी देख लो, अब बालों की हालत, सो के उठे हैं, शर्ट की हालत देख लो, क्या किचड़ विचड़ हुआ है। तो अभी नहीं तो यहाँ करेंगे, थोड़ा सा बादशाह बनाते हैं, और दाढ़ी तो यार कटवाने वाली हुई है, दाढ़ी का भी कुछ करते हैं। तो फिर फोटोज निकलते हैं, वहाँ जाकर शुगर चेल्सिंग स्टार्ट। वो तो अपने कपड़े निकालते हैं, टाइम यार इतना बेड़ा हो गया, कुआ मेरी मारी का समस्या पा रहा। बाबा जी क्या हुआ है, क्या है ये, क्या है, क्या है ये, ओ भैंस की तुम, बंद करो यार, मैंने नहीं करना यार। अभी अलमारी में झांटी मारी है यार, तो अकल आ रही है था जी। मेरा मेरे बस का काम नहीं है ये, मेरे बस का काम है ना ना ना, मैं नहीं कर सकता भाई, कपड़े निकालना कोई आसान काम है। अभी अम्मा जी को आवाज़ मारी, अम्मा जी को जोड़ा भेजो यार, समझ से बाहर है, क्या उठाऊँ क्या पहनूँ क्या करना है। अम्मा कह रही मैं बेचती हूँ टेंशन ले, मैं आ रही हूँ ले के, तभी मेरे कपड़े आएंगे, फिर हम शावर ले लेते हैं तब तक बस। भाई लोग तैयार शायद हो गया, मामा ने कह दिया कूलर भर के लाओ, अब हम कूलर भरने जा रहे हैं यार। बकरी ड्यूटी के बाद चल भी नहीं बनाया, अभी आके सही तैयार होंगे। ठीक है, कूलर हमारा भर रहा है यार, भर नहीं रहा साले, भर जा अब। चल भाई, ओए ओए ओए, ये आउटफिट चेक करो यार, सही सी बताना, स्मैक्सी लग रहा है, लग रहा जूते छूते ऐसे, आहा गर्मी, एसी छोड़ो एसी छोड़ो एसी छोड़ो। सामने वाला व्यू बड़ा चौकस आ रहा है, पर आगे गाड़ियाँ आ गई, मज़ा नहीं आ रहा देखने का, सीन बड़ा मज़ेदार बन गया है। चलो लेट्स गो। फाइनली तो यार फोटोस हम पहुँच चुके हैं, पता नहीं यार इन लोगों को क्या मिलते इतना आगे, मुझे तो बाजार ही होने लग जाती है। अभी हम गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह ढूंढते, फिर गाड़ी निकाल लगाओ सॉरी निकाल के नहीं लगा के, फिर हम मॉल के अंदर जाएंगे। हाँ तो भाई लोग यार थोड़ा सा पहुँच गए, कभी घर वाले दलील करा रहे हैं, कभी कोई और दलील करा रहे हैं, समझ नहीं आ रही यार, कभी स्टाइलों में बढ़ जाते हैं, कभी किसी कपड़ों वाली दुकान में बढ़ जाते हैं, कभी बैग देखने बढ़ जाते हैं यार, पता ही नहीं यार, अजीब दलील हो रहे हो यार, पता नहीं KFC कब मिलेगा मुझे अपना। जी मैडम कुछ पसंद है आपको। यार इतने सजर रंग है, मुझे समझ नहीं आती लड़कियाँ कैसे लेती हैं, शॉपिंग करती हैं यार, समझ से बाहर है, कैसे यार। स्पेयर मॉल लेके आ गए, पता नहीं क्या सीन हो रहे हैं यहाँ पे, पुतले शुतले दिखाई जा रहे हैं इस तरह के यार, वो बड़ा माहौल है यार यहाँ पे। तो क्या यार जे डॉट में घुसा के बोल करा रहे हैं, पजामे दिखाई जा रहे हैं यार, अजीब यार, पता नहीं क्या लड़कियाँ अजीब होती हैं। यार स्क्वायर मॉल के बेसमेंट में भाई की शॉप है, आप लाजमी विजिट कर सकते हैं, भाई के पास बड़े मज़े मज़े की चीज़ें, वॉचेस ब्रेसलेट और बेल्ट वगैरह भी, मैंने खुद एक ब्रेसलेट बाय किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, हाँ मैजिक की भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चेक करें। वॉलेट्स वगैरह भी हैं, आपने किसी को गिफ्ट वगैरह करना हो तो आप लाजमी मेरी शॉप विजिट करें। यार अपना एड्रेस बता दो ज़रा, किधर है आपकी शॉप। स्क्वायर मॉल है, LG फ्लोर है, LG फ्लोर फोटो स्टेडियम के अंदर, ज़बरदस्त होगा वो भी होता है आपके पास। यार बड़े ज़बरदस्त भाई हैं, तो उनके पास वेवपोर्ट भी हैं, चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त यार, यार बड़ा मज़ेदार सामान भाई के पास पड़ा है, लाइटर है, शीशा वगैरह, ये पॉड्स एंड वेप है, कोको प्राइम भी पड़ी है भाई के पास, और बड़े मज़े मज़े पॉड्स पड़े हैं। तो यार हम थर्ड फ्लोर पे इस टाइम आ गए, और इस टाइम इतना मज़ेदार डेकोरेट किया हुआ है स्क्वायर मॉल को, ये 14th अगस्त का मेरे ख्याल से तब का ही डेकोरेटेड है, और इस टाइम बड़ा ही मज़ेदार सीन बना हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा है यार, एम भी हम बुराई करें, अच्छा लग रहा है आज। चेक करो भैया
भैया गज्जू भैया खड़े हैं गज्जू अगर मैजिशियन है या मैजिक शैजिक हो रहा है वो सीन ऑन हो रहा है इससे पहले पपेट शो हुआ है और अब फिर मैजिशियन आया साहब जी मैजिक कर रहे हैं करो क्या कर रहा है यार जल्दी कर भाई जल्दी फाइनली यार मेरे घर वाले खाने पीने के लिए बैठ चुके हैं अब आपके वीर में ना जान में जान आ गई यार पहले तो फुल डेड सीन हो गया था भूख बहुत लगी हुई थी इन्होंने ज़रा मुझे अखबार करा दिया सीन ये हुआ ये जनाब साहब घूम के थे मैं ज़रा वो एक बंदा मुझे मिल गया था मैं उसको लगा हुआ था तो मैंने पूरा मॉल इनको ढूंढ लिया इनको मैंने कॉल इनका नंबर बन जा रहा था बेसमेंट में तो जनाब साहब ये मैं पूरा मॉल ऊपर वाले फ्लोर से घूम के वापस आया तो ये वापस मुझे कहाँ से मिला जे रोड से हाथ नहीं होगी यार वैसे वहाँ पर तो घूम रहे थे पहले ये रही बात मेरे KFC की उसकी आप टेंशन नहीं लेनी KFC इनसे हम खा के छोड़ेंगे अभी तो फिल आ जाएगी जो इन्होंने चीज़ें खानी है वो खा रहे हैं टेंशन नहीं लेनी इधर से कुछ नहीं खाते हम मेल लोग हम KFC खाते हैं ये है यहाँ का फूड कोर्ट अच्छी जगह यार मज़ेदार अच्छी जगह है अरे घर वाले कैसे पेंडू लोग स्क्वायर मॉल में भी आ गए यार गोलगप्पे मंगवा रहे इन्होंने हद नहीं होगी यार वैसे वहाँ से भी तो मिल जाते हैं यार गोलगप्पे यहाँ के बंदा कोई और चीज़ खाता है बेटा चेक करो आप इनके गोलगप्पे फिर बता हाँ गोलगप्पे तो मिल गया नो डाउट बट यार मॉल आके गोलगप्पे कौन खाता है हद हो गई यार एट लास्ट यार फाइनली हम स्क्वायर मॉल से फ्री हो चुके हैं गोलगप्पे शोलगप्पे खा गए इन्होंने जो गंद मिला खाना था गंद मिला खा लिया इन्होंने अब हम जाएंगे अपने ब्रांड KFC पे वहाँ से हम अपना डिनर करेंगे फिर इनको डिच करा के हम अपने बॉयज़ के पास चले जाएंगे फाइनली हम KFC पहुंच चुके हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको टीका लगाएंगे KFC की मील खाएंगे इनसे अब हैरी वाली ऑर्डर शॉर्डर दे दिया अब ऑर्डर का ही वेट हो रहा है पता नहीं कब आता है यार सारा दिन खजल हो गया गुजार दिया पैसे हमारे यहाँ पे आगे पूरे होते हैं तो देख रहे हो KFC का जब लोगों नजर आता है ना तो सांस में सांस आ जाती है और फिर सामने आपको खुशबू आ रही होती है कि आपका ऑर्डर बस 5 मिनट में आपके पास आ रहा है यार जी तो भाई लोग अपना ऑर्डर आ चुका है हाय 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 जब इसकी खुशबू आती है ना यार इसके स्टफ की और इसके फ्राइज और बर्गर की अफला मज़ा ही आया था यार अब हम इसको खाएंगे फाइनली यार KFC भी डन कर लिया KFC खा लिया है मामा जी का टीका लगा दिया है यार वो मंड लिया बड़ा हैवी सीन हो गया बड़ा मज़ा आया यार खाने का ये अभी हम बैड बॉय के सामने खड़े हैं बस अभी हम निकल रहे हैं दोस्तों की भी कॉल आ रही हैं दोस्त कह रहे हैं जल्दी आ जा रहा सीन करना आज तो अब आपको उनके पास जाके मिलते हैं जी तो गए जब हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंच के जूते शूते उतार गए हम आ गए हैं इसके घर ओए तेरा भी नाश गए कैप्टन मुरीद के और ये मिस्टर कैप्टन और अभी हम ये देखें ब्लॉग एडिट कर रहे हैं एडिट करके फिर हम पोस्ट करेंगे यार इसमें बड़ा टाइम लग जाता है यार असल काम ये है एडिटिंग करना ब्लॉग बनाना मुश्किल काम नहीं असल काम है एडिटिंग करना तो जब आप इन जैसे भाई हों तो फिर हो ही जाता है एडिट तो बस अब एडिटिंग वगैरह करके हम पोस्ट करेंगे तो आप लोग मस्त वॉच करिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन लाजमी भाई आपको पता है बेल नहीं दबाओगे तो मज़ा नहीं आएगा यार फिर फ़ायदा नहीं है बाकी ओके और हाँ यार जैसे कि आपको पता है मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं काफ़ी ज़्यादा इलाके जो हैं उस टाइम पानी में डूब चुके हैं तो जितनी आज आप लोगों की हैसियत है उसके मुताबिक यार डोनेट लाजमी करो उन लोगों की हेल्प करो इस टाइम उन लोगों को हमारी ही ज़रूरत है बाहर से आ गए तो किसी ने भी हेल्प नहीं करनी तो यार जितना हो सकता है लाजमी उन लोगों के लिए डोनेट करो और कोशिश ये करो कि अगर इतने आप हो इस काबिल तो जाकर खुद उनको सामान पहुँचाओ क्योंकि हर बंदे पर ट्रस्ट करना इतना आसान काम नहीं है तो इसलिए यार ये मैसेज मेरा लाजमी जितना आप शेयर कर सकते करो लाजमी डोनेट करो उन लोगों की हेल्प करो क्योंकि यार वो हम जैसे ही हैं मुसलमान हैं यार बाहर वो अंग्रेज़ वगैरह तो हैं नहीं जिनको हम ऐसे छोड़ दें क्योंकि वो हमारे भाई हैं यार मुसलमान मुसलमान का भाई होता है तो मस्त यार उनको डोनेट करो बाकी यार वॉच फुल वीडियो सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ लाइक दबाओ अन्नी पा दो बाय।